क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के दीवाने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सचिन को इस कामयाबी तक पहुंचाने में किसका अहम योगदान है? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं सचिन ने क्रिकेट में जो मुकाम पाया वहां तक पहुंचना किसी और क्रिकेटर के लिए नामुमकिन सा लगता है। इस कामयाबी को पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, पूरे शरीर में कई जख्म सहे और कई बार सर्जरी करवाई। लेकिन इन बातों के अलावा एक छोटी सी घटना ऐसी है जहां से उनके जीवन को नया मोड़ मिला था। सचिन के कोच आचरेकर उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने सचिन में क्रिकेट के प्रति लगाव को देखकर छोटी उम्र में ही उनके अंदर की प्रतिभा को भांप लिया था। वे सचिन को पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करवाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब आचरेकर ने सचिन को जोर का थप्पड़ मारा। दरअसल वानखेड़े स्टेडियम में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना था। उस समय 14 साल के सचिन इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैच के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि वो प्रैक्टिस छोड़कर स्टेडियम पहुंच गए। लेकिन वहां पर सचिन की मुलाकात कोच आचरेकर से हो गई। फिर क्या था, आचरेकर सचिन को यहां देखकर गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने सचिन को सरेआम एक जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद सचिन ने कहा कि दूसरों के लिए तालियां बजाने से बेहतर है खुद इस काबिल बनो कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। तभी तो सचिन भी इस बात को मानते हैं कि गुरु के मार में भी प्यार छुपा होता है और संसार के प्यार में भी मार छुपा होता है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।